हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल भिना क्लास में। मैं प्रहलाद लेके हूँ आज आपके लिए एक नया क्लास बीएससी और थर्ड ईयर के लिए, यह है बॉटनी। हमने डील कर लिया था स्पेशल, हमने चावल देख लिया स्पेशल बॉटनी में, और उसके बाद गेहूं देख लिया, लेग्यूम देख लिया, तो लास्ट बचता है शुगर केन के बारे में। गन्ना का स्पेशल क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसकी फिजियोलॉजी कैसी यानी मॉर्फोलॉजी कैसी है, यूज क्या है, वैरायटी क्या क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आज 6 छोटे छोटे टॉपिक को लेके आया हूँ जो आपको सही तरीके से क्लियर करा दूंगा कि स्पेशल हमारा जो सुगन केन होता है यानी ईख यानी गन्ना होता है, पर्टिकुलर उसको हम कैसे पेपर पॉइंट्स लिखे। हमने अनसॉल्व देखा तो मेरठ में, उसके बाद पूर्वांचल में और लोहिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद झांसी में, उसके बाद महात्मा गांधी की काशी विद्यापीठ, कई यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया अनसॉल्व पेपर में। तो डील कर लेते हैं आज सुगर केन के बारे में। छोटा सा वीडियो तो नहीं होगा, बट 20 मिनट के ऊपर जा सकता है, बट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हम जल्दी से कवर करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे क्लास का अपडेट मैं लगातार आपको देता रहूं। आपके भी वीडियो के अब नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे क्योंकि अब टाइम टेबल सही से मैनेज हो गया है, आपको लगातार वीडियो अपडेट होते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारा जो सुगर केन है उनके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो पहले बात करेंगे इसके फैमिली की। तो आपको पता है कि जो सुगर केन होता है वो ग्रैमिनी फैमिली का है। क्या है? ग्रैमिनी फैमिली का है। आप बीएससी सेकंड ईयर में इसको पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा सुगर केन होता है वो फैमिली ग्रैमिनी कवर करता है। क्या करता है? फैमिली ग्रैमिनी कवर करता है। और जो ये प्लांट्स होता है स्पेशल सैकरम, क्या होता है? सैकरम आफी, याद रखिएगा, सैकरम आफी सिरनम, सैकरम आफी सीनेरम, ठीक। तो इससे प्लांट से इसको लिया जाता है, याद रहेगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फैमिली ग्रैमिनी हो जाएगा। इस प्लांट्स का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? सैकरम, सैकरम आफी सीनेरम, ठीक, इतना हो गया। अब ये देखा जाता है कि जो स्पेशल हमारा सुगर केन होता है वो स्टेम के जैसा बिहेव करता है, मतलब स्टेम होता है। अब स्टेम और जो गन्ना है वो स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया के लिए स्पेशल हमको क्या देता है? सुक्रोज देता है। क्या देता है? सुक्रोज यानी गुड़ देता है, उसके बाद चीनी देता है, इसको खाड़ भी हम कहते हैं हिंदी में, खाड़ भी। ये प्रमुख साधन है किसके बारे में? स्पेशली इसी गन्ना से लिया जाता है। ये कह ले कि गन्ने का जो यूज है स्पेशली वो हमारे स्पेशल सुक्रोज के लिए किया जाता है। और यदि हम बात करें इसकी जंगली किस्में भी ढेर सारे हैं, उसके बाद हम ढेर सारे हाइब्रिड भी लाते हैं, ऐसा माना जाता है। यदि हम ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, क्या करें, ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में यही लिखिएगा, आप केवल 2 लाइन लिखना है कि फैमिली ग्रैमिनी होगा और जो पौधे है उसके बॉटनिकल नेम क्या है? सैकरम क्या है? सैकरम आफी सेरनम है इसका बॉटनिकल नेम। और बॉटनिकल नेम ये जो प्लांट्स होते हैं उसके जो स्टेम होते हैं उसको सुगर केन कहते हैं, और स्पेशल सुगर केन से हम शर्करा यानी सुक्रोज यानी गुड़ चीनी का स्पेशल यूज करते हैं। ये हो गया स्पेशल इनके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में। और हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो ऐसा माना जाता है इसका ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, ओरिजिन एरिया है, वो क्या है? स्पेशल पूर्वी क्षेत्र है। क्या है? पूर्वी क्षेत्र है, मतलब दक्षिण पूर्व भारत में काफी अच्छे मात्रा में, उसके साथ साथ एशिया में काफी, एशिया कौन, एशिया दक्षिण पूर्व जो एशिया है, मतलब साउथ, तो हम कह ले साउथ ईस्ट जो एशिया है वहां पे काफी अच्छे मात्रा में देखा जाता है। उसके बाद एस्टेंडिज के जो मूल निवासी थे वो क्या किए थे? स्पेशल इस गन्ने के बारे में सबसे पहले जानकारी बताया था। उसके बाद करेंगे भारत की बात करेंगे, तो भारत में लगभग 300 क्या है 327 BC, इंडिया में 327 BC से पहले भारत की जो प्रमुख फसलें रही वो गन्ने रही हैं। तो गन्ना को पहले कई सालों से 327 साल पहले से हम इसको लगातार उगा रहे हैं। यदि बात करें आधुनिक समय में, तो आधुनिक समय में जो विश्व की सभी स्पेशल जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, क्या हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, वहां पे गन्ना काफी अच्छी मात्रा में उगाया जा रहा है। कौन से एरिया में? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, ठीक। अब आगे बात करें तो स्पेशल ऐसा माना जाता है कि इंडिया और उसके बाद दक्षिण भारत के साथ साथ चाइना में और फिलीपींस, पेरू है, उसके बाद वेस्ट इंडीज है, सेंट्रल अमेरिका है, ब्राजील है, क्यूबा है, पाकिस्तान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में
और स्पेशल गन्ने का उत्पादन किया जा रहा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो गन्ने का उत्पादन होता है वो हमारा ही स्टेज होता है, मतलब स्पेशल खपत और उत्पादन हम सबसे ज्यादा खाते भी हैं और सबसे ज्यादा पैदा भी करते हैं। कौन? हम यूपी वाले। ठीक, तो हमने यूपी वाले जो है वो गन्ने का पूरे भारत में सबसे ज्यादा, ये कह सकते हो कि भारत में सबसे ज्यादा यदि गन्ने का उपयोग कहीं किया जाता है वो भारत में स्पेशली यूपी में किया जाता है, और यूज भी हम यूपी वाले करते हैं और प्रोडक्शन भी हम गन्ने का सबसे ज्यादा यूपी वाला करते हैं। ठीक, तो ये हुआ किसके बारे में, स्पेशली इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि कौन कहां पाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं मार्फोलॉजी की, किसकी? मार्फोलॉजी की। तो सुगर मार्फोलॉजी में हम ये डील करेंगे स्टूडेंट कि दिखता कैसा है। शुगर का जो स्पेशल प्लांट्स होता है वो सभी प्रकार के भूमि में उगाया जा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा कि जो प्लांट्स हैं वो कहीं भी हम उगा सकते हैं, खासकर जो करीली मिट्टी होती है वहां के लिए काफी उपयोगी होते हैं। यदि हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल यदि 50 क्या है 50 सेंटीमीटर यदि रेनफॉल होता है वहां भी गन्ने का उत्पादन किया जा सकता है। यदि बात करें टेम्परेचर की तो यहाँ पे टेम्परेचर 60 फारेनहाइट तक सही तरीके से सूर्य का प्रकाश जो होता है वो इसको 60 फारेनहाइट कंप्लीट हो जाता है, यानी रेनफॉल हम कितना देखेंगे 50 सेंटीमीटर। उसके बाद स्पेशली जो इसका तापक्रम है, टेम्परेचर्स हैं, वो टेम्परेचर हमारे लगभग 60 फारेनहाइट से ऊपर होना चाहिए। यदि बात करें इनके कैसे बुआई की जाती है तो बुआई के लिए इनका कलम, कलम मतलब ये प्रपोज्ड की बात करते हैं, प्रपोज्ड यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हो, कटिंग द्वारा, मतलब इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पेशल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है, और कटिंग करके हम पौधे को क्या करते हैं बुआई करते हैं, और तेजी से प्लांट ग्रोथ करता है, और ये प्लांट की जो ऊंचाई होती है मतलब लंबाई होती है, लंबाई इसकी हाइट लगभग 2 फीट से लेकर 8 फीट, मतलब 2 फीट से लेकर 8 फीट होती है। वही मोटाई की बात करेंगे तो मोटाई यहाँ पे 2 इंच देखी जाती है। कैसे देखी जाती है? कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 2 इंच देखी जाती है। इस चीज को याद रखिएगा कि मोटाई कितनी होगी, मोटाई इसकी 2 इंच होती है, और जो इसकी ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो 2 से 8 फुट लंबा होता है। इस चीज को आपको याद रहे, लगभग 1 से 2 मीटर। ठीक, आगे ये बात करते हैं कि जो पौधे का समूह होता है ये बंडल में उगते हैं, मतलब ढेर सारे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में बताया ना, कटिंग द्वारा करते हैं, इनमें ढेर सारा बर्ड निकलता है, बर्ड निकलने के बाद ये एक ही चेंबर में ढेर सारे गन्ने आपस में आ जाते हैं। यदि बात करें इनमें जो स्टेम होता है वो आपने बांस देखा होगा, बांस के जैसा इनमें स्टेम होता है, और निचला सिरा स्पेशली जड़ और जड़ तथा पुष्प होते हैं, क्या होते हैं, पुष्प ऊपर की ओर होते हैं और जड़ नीचे की ओर, देखा होगा आपने, आपने पुष्प देखे होंगे, गन्ने में पुष्प भी निकलते हैं, और जो इनके स्टेम होते हैं वो काफी सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? काफी सॉलिड होते हैं। इस चीज को आपको याद रहना चाहिए कि जो गन्ने का स्टेम होगा वो काफी सॉलिड होता है, और इसमें लगभग 80% इस सॉलिड पोजिशन में, सॉलिड पोजिशन के साथ साथ इनमें 80% क्या होता है, रस पाया जाता है, जूस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर जूस के नाम जानते हैं, क्या करते हैं, शुगर जूस के नाम जानते हैं, और इनके आउट ऑफ लेयर काफी मजबूत होते हैं, ये कह सकते हो कि इसमें रफ या क्या होते हैं, रफ रॉड होते हैं, काफी कड़े इसमें छिलके पाए जाते हैं, इस चीज को याद रहिएगा। अब जब हमारे 80% रस होता है, ये अलग अलग वैरायटी जो गन्ने की वैरायटी है, शुगर केन की वैरायटी है, वो उस गन्ने की वैरायटी पे निर्भर करता है कि किसमें कितना हमारा स्पेशल रस यानी जूस निकल रहा है। ठीक, इतना हो गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट मार्फोलॉजी के बाद इसके यूज के बारे में कि यूज क्या है। तो गन्ने का यूज हमने बताया कि जो शुगर केन है वो गांव में गुड़ बनाया जाता है, क्या होता है, गुड़ का निर्माण किया जाता है। हम गांव वाले क्या करते हैं, गुड़ का निर्माण करके स्पेशल उसको गुड़ के रूप में यूज करते हैं, और ये यदि हम फैक्ट्री में देखें गन्ने का स्पेशल क्या करते हैं, स्पेशल जो स्टेम होता है, स्टेम ऑफ शुगर केन होता है, उसको स्पेशल कोल्हू में, कैसा होता है, कोल्हू यानी क्रेशर कह सकते हो कि क्रेशर में इसको क्या किया जाता है, क्रेशर द्वारा प्यूरिफाई करके यहाँ पे हम इसको रस यानी जूस को निकालते हैं। जूस निकालने के बाद हम इन्हें गुड़, उसके बाद चीनी, अलग अलग मेथड से लगातार इनमें क्या करते रहते हैं कि इनमें चेंज करके इनके रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक, इस चीज को आपको याद होना चाहिए।
जब रॉ मटेरियल हमको सही तरीके से मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, ठीक, तो ये छोटे छोटे रॉ मटेरियल अलग अलग पॉइंट्स में लोगों ने अपने अपने यूज के बेसिस पे बताते हैं। ठीक, अब देखो जो सुगर केन की स्पेशल अलग अलग वेराइटीज हैं, क्या हैं, अलग अलग वेराइटीज हैं, उनको क्या करते हैं हम एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने के बाद बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद क्या करते हैं अलग अलग व्हीकल यानी ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल द्वारा हम क्या करते हैं ट्रकों द्वारा रेलवे द्वारा उसको स्पेशली मिलों तक पहुंचाते हैं। मिल मतलब आपने देखा होगा गन्ने की मिल होती है बड़ी बड़ी, यूपी में तो काफी अच्छी है हम लोग की तरफ, इस बार चुनार मिर्जापुर तो काफी देखा ही नहीं जाता मिल, बट हमारा जो फैजाबाद है, मेरठ है, ठीक, अवध है, उधर ढेर सारा देखे थे जौनपुर, उधर काफी मिल लगाए गए हैं मेरठ उरठ के साइड। ठीक, तो वो क्या करते हैं हम अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल द्वारा क्या करते हैं मिल तक गन्ने को पहुंचाते हैं, और गन्ने में क्या करता है मिल सबसे पहले क्रेशर में जाता है और क्रेशर में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, फिर इन टुकड़ों को रोलर की सहायता से क्या करते हैं सेट करके स्पेशली हम सेटअप से गुजारते हैं, या थ्री रोलर सेट होता है, तीन छोटे छोटे रोलर होते हैं उनमें गुजारते हैं, हमने देखा थोड़ा सा एक जगह, ठीक, उनको गुजारते हैं, वहां पे गुजारने के बाद क्या करते हैं उनमें से जो रस होते हैं वो निकाले जाते हैं, और जब रस निकल जाता है क्या होता है रस निकल जाता है तो इस रोलर के बाद इनमें बहुत तेजी से दबाव देने के बाद रस निकाल लेते हैं, और बाकी जो बचा हुआ स्पेशल क्या होता है हस्क होता है, क्या होता है हस्क होता है, उनको बाहर निकाल जाता है, जो भूसा होता है उनको निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद अलग अलग जो रॉ मटेरियल उनको प्यूरीफाई करके हमारा जो स्पेशल इनका फॉल होता है ईंधन के रूप में, जो हमारा हस्क होता है उनको ईंधन के रूप में यूज कर लेते हैं, और पेपर बनाने में काफी पेपर का अब तो मॉडर्न आ गया है कि हम गन्ने के जो हमारे छिलके होते हैं उनसे हम पेपर का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक, पेपर का भी निर्माण कर लेते हैं, और इनके जो जूस होते हैं वो काफी डार्क कलर होते हैं, कैसे होते हैं डार्क ब्राउन जैसे होते हैं। ठीक, अब देखो डार्क ब्राउन स्पेशल लिक्विड निकलता है, ये प्यूरीफाई नहीं होता, मतलब ये कैसा होता है ये अशुद्ध होता है, यानी कह लो कि गंदा होता है, उसके बाद अनप्योर होने के वजह से फिर इनको क्या कहता है प्योर किया जाता है, क्या कहता है अलग 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 स्टेमिंग मेथड से अलग अलग हम केमिकल द्वारा इनको प्योर करते हैं, प्योर करने के बाद इनका जो कलर होता है वो हल्का भूरे रंग का हो जाता है, कैसा होता है लाइट कलर के हो जाते हैं, लाइट कलर के बाद इनमें इनको उबाला जाता है, क्या होता है इनको उबाला जाता है, उबालने के बाद हम क्या करते हैं जो रस के रवेदार क्रिस्टल होते हैं यानी शुगर के क्रिस्टलाइज रूप में हम क्या करते हैं ला देते हैं, लाने के बाद स्पेशल पहले इसमें क्या करते हैं मेसिक्यूट, क्या करते हैं मेसिक्यूट के रूप में होता है, क्या होता है मेसिक्यूट के रूप में होता है, फिर इसे क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके महीन छिद्रों द्वारा, क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके छोटे छोटे महीन छिद्रों द्वारा हम क्या करते हैं इनको अलग करते हैं, अलग करने के बाद इनसे क्या होता है चीनी प्राप्त होता है, क्या होता है चीनी प्राप्त होता है, चीनी प्राप्त करने के बाद ये कलर युक्त होते हैं, कैसे होते हैं कलर युक्त होते हैं, 96% हमको चीनी मिल जाता है कब जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं इसका, तब तो मेसिक्यूट मिलेगा, मेसिक्यूट को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के जो सिरे होते हैं क्या होते हैं सिरे को निकालते हैं किससे पतले पतले महीन छिद्रों द्वारा निकालते हैं, और इस प्रकार हमको प्राप्त थोड़ा सा हीट करने के बाद चीनी प्राप्त होता है जो कैसा होता है कलर्ड होता है, कैसा होता है कलर्ड होता है, और ये कलर्ड होने के साथ साथ ये 96% तक कैसा होता है प्योर हो जाता है। अब इसके बाद हम इसे प्योर करते हैं, कैसे और प्योर करते हैं स्पेशल रंगहीन कर देते हैं कलरलेस करते हैं, कलरलेस के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट हम स्पेशल सुगर चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं सुगर चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी हम करते हैं कोई ऑक्सीडाइज जैसा मटेरियल है, ठीक, ऑक्सीकारक मटेरियल है उसका भी यूज करते हैं स्पेशल इनके कलर को भगाने के लिए। यदि बात करें इंडिया में तो इंडिया का स्पेशल जो हमारा अलग अलग साइज अलग अलग एरियाज हैं उनमें अलग अलग मेथड से हम प्यूरिफिकेशन करते हैं इस चीनी का। तो ये हुआ इसके यूज के बारे में कि हम कैसे किसको लाएंगे और लास्ट में हमको चीनी मिल जाता है, इस चीज़ को याद रहे। अब बात करते हैं स्पेशल वैरायटी के बारे में कि कौन कौन से ऐसे वैरायटीज है जिन पे देता है, ठीक। तो देखो अब वैरायटीज के बारे में ये देखेंगे कि जो हमारे वैरायटीज हैं किसके शुगर केन के जो वैरायटीज हैं वो काफ़ी अच्छे काफ़ी पहले नहीं थे बट अब इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है, इम्प्रूवमेंट करके हम रिसर्च किए रिसर्च स्टेशन स्थापित किए, वहाँ पे जाने के बाद जो हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन था उनको सही तरीके से कंप्लीट किया हमने, हमने कंप्लीट करने के बाद स्पेशल क्या किया अच्छे अच्छे किस्म को प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद आज स्पेशल अलग अलग मेथड से जैसे जिसकी आवश्यकता होती है वैसे वो गन्ने की बुआई करता है, ठीक। अब ऐसा देखा गया अलग अलग किस्म जब भारत में आ गए तो इसमें सबसे पहला जो एक स्टैंडर्ड किस्म होता है क्या होता है एक स्टैंडर्ड किस्म होता है उसका नाम होता है CA, याद रखिएगा इसका पहला एक स्टैंडर्ड किस्म है इसको CI 29 कहते हैं,
ये काफी स्टैंडर्ड किस्म माना जाता है गन्ने के नाम पे, ठीक। उसके बाद और लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 1967 ईस्वी में, कितने किस्म में स्टूडेंट, 1967 ईस्वी में एक गन्ने को डेवलप किया गया, एक इसका एक कह लो कि अलग वेराइटी लाया गया जिसको हम P4333 के नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? P4383, ठीक। तो इसके नाम से जाना गया। और कुछ सालों बाद स्पेशल एक उसी साल में स्पेशल एक और आया था जिसको हम CO, क्या कहते हैं, CO31, ठीक। तो CO301, ठीक, ये अलग स्पीसीज था। तो पहला सबसे स्टैंडर्ड ये होगा, उसके बाद इन दोनों को लाया गया, तीन हो गए, ठीक। और कुछ स्पीसीज होते हैं जैसे कुछ सालों बाद अलग अलग वेराइटीज को लाने के बाद हमने क्या किया, इसी CO को चेंज करके स्पेशल एक और वेराइटी बनाया गया जिसको हम CO शायद 1148 का नाम से जानते हैं, हाँ 1148, CO1148, ठीक है, 48 के फॉर्म से जाना गया। उसके बाद ये सब ऐसी वेराइटीज कुछ हैं जो काफ़ी अच्छे मात्रा में, लगभग ऐसा माना जाता है कि इनमें किसमें, इनमें ये ऐसी वेराइटी है जो काफ़ी रेड रोट मतलब होता है कि इसमें जो रेड रोट डिजीज होता है उनसे ये फ्री होते हैं। कैसे होते हैं? उनसे ये फ्री होते हैं, वो इनमें कभी भी रेड रोट जो रोग होता है, डिजीज होता है, वो कभी भी नहीं निकलता था। और जो गुड़ का निर्माण होता है इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में, बट तो नहीं होता, क्या होता है, इनमें हम गुड़ काफ़ी अच्छी मात्रा में नहीं बना सकते, बट ऐसा माना जाता है कि इनमें जो स्पेशल रोग जो होते हैं, हमारा रेड रॉन्ट जो रोग लगता है, डिजीज लगता है, वो इनमें नहीं लगता। अब देखो आगे जो हमारे कुछ अलग अलग किस्म हैं उनको भी स्पेशल लाया गया, ठीक, अलग अलग किस्म लाया गया, जैसे हमारा P11 क्या था, इसके बाद हमने लाया P11996, तो हम याद रखिएगा। एक और स्पेशल लाया गया, कौन, P11, याद रहेगा P11996, ये लाया गया, ये चौथा हो जाएगा, ठीक, ये उसके बाद ये पांचवा है, ठीक। तो P1199 जब आया, इसमें इतना शर्करा, काफ़ी सबसे ज़्यादा कह लो कि जो सबसे अधिक शर्करा देने वाला ये हमारा गन्ने की प्रजाति है। उसके बाद कोयम्बटूर में ये जगाधर में लाया गया, बनाया गया था। अब कोयम्बटूर में स्पेशल 1969, हाँ मतलब 90 एक स्पीसीज लाया गया था, हम बता रहे हैं आपको, ठीक। एक स्पीसीज इसके बाद आया, कब आया स्टूडेंट, स्पेशली 1969 मतलब 1969 में एक और स्पीसीज लाया गया कि इसमें कोयम्बटूर में बनाया गया था, जिसका नाम था स्पेशली COS, इसको याद रखिएगा COS। उसके बाद COS 510 लाया गया था। उसके बाद इन्हीं के साथ साथ एक और स्पीसीज को डेवलप किया जिसका नाम था COS, ठीक, क्या था, COS के नाम से नहीं, COL था, इसको याद रखिएगा, क्या था इनका पे, COL5 था शायद, ठीक। ये ऐसा लाया गया, 5 के साथ साथ एक और स्पीसीज लाया गया था जिसको बाद में बताया गया कि ये स्पीसीज इनको उतना ज़्यादा डेवलप नहीं रहा, बट एक स्पीसीज लाया गया COL। उसके बाद COL19 लाया गया था, क्या लाया गया था, 19 लाया गया था। ये जो स्पीसीज लास्ट वाली है ये कर लीजिएगा 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक, और ये स्पीसीज उतनी अच्छी नहीं है, ठीक। तो ये जो लगातार कई स्पीसीज थे ये पूरे इंडिया में इनकी बुआई की गई और अलग अलग तरीके से हमने इनकी डेवलपमेंट को लाया। अब एक चीज़ आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट कि जो अलग अलग बुआई है अलग अलग मेथड में, हम इसमें चीनी देखते हैं, किसमें, इसमें चीनी देखते हैं, तो इसकी चीनी की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, लगभग 90 से लेकर 92% इसमें स्पेशल शुगर हमारा देखा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रहे कि 90 से 92% शुगर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात इनकी करेंगे तो ये भी लगभग 90+ हमारे परसेंट शुगर देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बट ये जो शुरू शुरू के कुछ लोग थे ये देते वो लगभग 70% ही शुगर देते हैं, क्या करते हैं, 70% ही शुगर का फार्मेशन करते हैं। इस चीज़ को आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब देखो ये तो हो गई स्पेशल कुछ किस्में, अब बात करते हैं लास्ट हम शुगर इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री इन
हमारा इंडिया, कि भारत में जो हमारा भारत में जो चीनी उद्योग है वो कैसा है। देखो 1950 और 1951 में जो हमारा भारत स्पेशल आजाद हुआ था तो ऐसा देखा जाता था कि हमारे इंडिया में लगभग 17 लाख हेक्टेयर, कैसा था, 17 लाख हेक्टेयर पे स्पेशली गन्ने की बुआई की जाती थी। क्या करते थे, गन्ने की बुआई की जाती थी, ये आपको याद होना चाहिए, इतना काफी हो गया। चलो इधर ही लिख लेते हैं कि 1950 से 1951 क्या था, 1950 से 1951 था, ठीक, इसमें लगभग 17 लाख कितना था स्टूडेंट, 17 लाख हमारा क्या था हेक्टेयर गन्ने की बुआई होती थी, ठीक, 17 लाख हेक्टेयर इसमें बनाया गया। फिर बाद में क्या किया गया, कुछ सालों बाद देखा गया, प्योरीफाई किया गया, तो 1990 और 91 में हमने मतलब 1991 में हमने क्या किया स्पेशल दूसरे फार्म से देखा, 1990 से लेके हमने 1991 में क्या देखा कि यहाँ पे जो गन्ने की बुआई थी वो भारत में बढ़ गई थी, भारत में क्या हुआ था, बढ़ गया था लगभग 36.8 लाख हेक्टेयर, ठीक, 1 लाख हेक्टेयर इतने पे हमने क्या किया, गन्ने की बुआई किया। उसके बाद और बाद में और इंक्रीज हुआ, कैसा हुआ, और इंक्रीज हुआ, पैदावार हुआ, लगभग इस साल क्या हुआ था 570 लाख टन बढ़कर हमारा पहले जो गन्ने की पैदावार थी इसमें 570 लाख टन थी, कितनी थी 570 लाख टन थी, याद रखिएगा, ठीक, ये टन थी जो बाद में बढ़कर स्पेशली काफी ज्यादा हो गया, मतलब 4200 लाख टन, मतलब यहां पे कितना हो गया 4200 लाख टन हो गया, इस चीज को याद रखिएगा, ये आपका काफी हो गया होगा ना, कर लो इसको, हमने बोलते, ठीक। अब देखो जब इतना हमने स्पेशल देखा तो आगे चलने के बाद कुछ सालों बाद ऐसा देखा गया स्पेशल हमारा जो स्पेशल तमिलनाडु था, तमिलनाडु में ही काफी अच्छी मात्रा में देखा गया था, और सबसे ज्यादा पैदावार की बात करेंगे तो भारत में लगभग 61 लाख, मतलब सॉरी भारत का जो यूपी है उसमें 61 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया गया, और जो हमारा तमिलनाडु था वहां पे और स्पेशल 13.5 लाख टन लगाया गया। वही महाराष्ट्र में कितना, लगभग 12.6 लाख टन इतना माना गया, तीसरे स्थान पे हमारा महाराष्ट्र था। अब बाद में धीरे 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 करके जो हमारा गन्ना था, इंडस्ट्रियल एरिया था, उसको डेवलप किया गया और चीनी उद्योग के दूसरे नंबर पे हम आ गए, ठीक। जो भारत है, इंडिया है, वो चीनी उद्योग में दूसरे नंबर पे आता है, और स्पेशल जो पहला चीनी मिल था, क्या था, भारत में पहला चीनी मिल था वो 1784 ईस्वी में, क्या था, 1784 ईस्वी में हुआ, और बाद में 1923 ईस्वी में क्या हुआ, भारत में जो पहला चीनी मिल बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों से पहले बनाया गया था, कब बनाया गया था स्टूडेंट, पहले नंबर पे हम डील करेंगे तो 1700, ठीक, इस चीज को याद रहिएगा, पहला जो हमारा चीनी मिल था वो कब था, वो आया गया था 1784, इसी को याद रहे, 1784 में स्पेशल पहली बार बनाया गया था। बाद में जो क्रिस्टलाइज किया गया, कैसा किया गया, क्रिस्टलाइज मतलब होता है कि श्वेत, मतलब सफेद चीनी हमको सबसे पहले कब मिला, 1923 में मिला, कब मिला स्टूडेंट, 1923 में हमको सफेद चीनी मिलने लगा। ये चीनी जो मिला था वो बिहार में मिला था, मतलब पहली बार हमने बिहार में इसको मिल को प्रोडक्शन किया था। अब उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि जो विश्व में बढ़ती हुई तेजी से मांग होने लगा चीनी का, और हमारे देश में लगभग 271 चीनी मिल, मतलब 271 चीनी मिल लगाए गए, और कानपुर में स्थित भारत का जो भारतीय चीनी मिल है वो स्पेशली सबसे ज्यादा कह लो कि एक डेवलप एरिया दिखाता है, और कानपुर ही पूरे कानपुर में एक ऐसा चीनी मिल उद्योग कह सकते हो, या फिर कह सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर टेक्नोलॉजी, क्या आता है हमारे इंडिया में एक कानपुर में एक इंस्टीट्यूट काम करती है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर टेक्नोलॉजी इन कानपुर, ठीक। ये स्पेशल चीनी उद्योग की तकनीक में सहायता प्रदान करता रहता है लगातार, और चीनी उद्योग को भारत में पहले से ज्यादा बेहतर बनाता रहता है अपने अलग अलग स्टडी करके, अपने अलग अलग उपकरण देकर, और अलग अलग वैरायटीज को कंप्लीट करके, ठीक। तो ये हुआ आज का, हमने देखा क्या गन्ने के बारे में अलग अलग। इसका क्वेश्चन आता है ये कि गन्ना किस पौधे से मिलता है, और उसका वनस्पतिक नाम लिखिए, और मनुष्य द्वारा उपयोग अलग अलग वैरायटीज और रॉ मटेरियल के बारे में बताइए। तो मैंने इस पे अलग अलग पॉइंट्स पे लेक्चर क्लास अपलोड कर बता दिया आपको, आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताया, जब मैं बताता रहता हूं तभी आप नोट कर लीजिएगा, आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।